आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत ने अपने अजेय अभियान को जारी रखा है। रोज बाउल मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 11 रनों से हरा दिया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अफगानिस्तान के सामने 225 रनों का टारगेट रखा। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने हैट्रिक लेकर जीत टीम इंडिया की झोली में डाल दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स जल्द ही आउट हो गए, जिसके बाद कप्तान ने मोर्चा संभाला और इस वर्ल्ड कप का लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ा। आज के मैच में भारतीय पारी में सभी बल्लेबाज अफगानिस्तानी स्पिनर्स से जूझते हुए नजर आए। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।